और अब आपको दिखाएंगे राष्ट्र की अहम खबरें। महाराष्ट्र के सीएम के घर को दाऊद के नाम पर किसने किया कॉल, थाने से कैसे गायब हुई बाहुबली अतीक अहमद से जुड़ी फाइलें, और कहां पूर्व विधायक की पीट पीट कर दी गई हत्या। देश की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर फोन आने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल परब के मुताबिक मातोश्री में एक शख्स ने खुद को दाऊद का आदमी बताते हुए कॉल किया और उद्धव ठाकरे से बात करना चाहा। पुलिस फिलहाल कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, वहीं मातोश्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच दुबई में होने वाले आईपीएल के मैचों के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। पहला मैच 19 सितंबर को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। शनिवार और रविवार को दो दो मैच होंगे। लीग मुकाबलों के कुल 56 मैच खेले जाएंगे। इस सीजन आईपीएल के सभी मैच अबू धाबी, दुबई और शारजाह में होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बाहुबली अतीक अहमद की केस से जुड़े कई अहम फाइलें धूमनगंज थाने से गुम हो गई हैं। अतीक अहमद से जुड़े कई अहम मुकदमों की केस डायरी गुम होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अल्मोड़ा के द्वारहाट असेंबली सीट से बीजेपी एमएलए महेश नेगी पर लगे यौन शोषण मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि महेश नेगी पर रेप और उनकी पत्नी रीता नेगी पर पैसे लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगा है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले को गांव वालों ने पकड़ा, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव को लेकर धरना दिया। निवेंद्र के बेटे के मुताबिक कुछ लोगों ने उनकी जमीनी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मेहरा चौकिया इलाके में एसएसपी कौशल शर्मा के घर पर रहस्यमय धमाका हुआ। इस धमाके में घर और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के वक्त एसएसपी घर पर नहीं थे। धमाके के बाद अफरातफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली दंगे मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने फरवरी में शिव विहार में राहुल सोलंकी की हत्या के आरोप में मुस्तकीन सैफी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है। यूपी के मेरठ में ऐसे 49 घर हैं जहां मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। मामला कंकरखेड़ा के श्रद्धापुरी संत विहार के गली नंबर 2 का है। दो दिन पहले यहां गंदगी फैलाने और दबंगई के आरोप में दो परिवार के बीच विवाद हुआ था। मामला थाने तक पहुंचा लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। विरोध में अब घर के बाहर 49 परिवारों ने घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। भारत में 24 घंटे में 90,600 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। ये अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा नए केस हैं। 24 घंटे में 1,065 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 41,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक करीब 71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% से ज्यादा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।